स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय सेल्फ नरगिस परवेज। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड जुमा नंबर 6, द डे ऑफ साइलेंस विद ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन पेज नंबर 58 वी हैव गेटिंग स्टार्टेड, और गेटिंग स्टार्टेड में लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। डिस्क्राइब माने होता है बयान करना, वजाहत करना, एंड हैपनिंग मीन्स हो रहा है। तो कहा क्या कहा जा रहा है, लुक एट द पिक्चर, कि पिक्चर को देखें, एंड डिस्क्राइब वजाहत करें, बताएं व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, यानी कि इस पिक्चर को देखें और बताएं कि क्या हो रहा है। तो ये देखें कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बॉय है जो कि इंजर्ड है, और एक गर्ल है जो कि उसको बैंडेज कर रही है, और नीचे लिखा हुआ लेट मी हेल्प यू, कि मुझे अपनी मदद करने दो, राइट। तो हम इसका आंसर किस तरह से करेंगे, इन दिस पिक्चर अ गर्ल इज हेल्पिंग टू अ बॉय। देन वी हैव लेट्स टॉक, और लेट्स टॉक में हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के रीड करें और प्रैक्टिस करें जो कि गिवन डायलॉग है। डायलॉग किसे कहते हैं, यानी कि बातचीत करने को, गुफ्तगू करने को, मुकालमा, ठीक है। और ये वाली जो डायलॉग है वो दो पर्सन के दरमियान है, एक है अली जो कि स्टूडेंट है और एक है टीचर। अली टीचर, देयर वॉज अ पर्सन हु कुडंट सी। अली बता रहे हैं टीचर को कि टीचर वहां पर एक शख्स था जो कि नहीं देख सकता था। आई हेल्प्ड हिम टू क्रॉस द रोड, और मैंने मदद की उसकी रोड को पार करने में। टीचर, ओ वॉज ही ब्लाइंड, क्या वो देख नहीं सकता था। देयर आर पीपल हु कांट हियर और हैव नो लेग्स और आर्म्स। अब टीचर कह रही है कि क्या वो देख नहीं सकता था। देयर आर पीपल, वहां पर कुछ लोग होते हैं हु कांट हियर, जो कि नहीं सुन सकते, और ना उनकी टांगे होती हैं और ना ही बाजू। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आर गिफ्ट्स, तो हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रेटफुल शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो चीजें अल्लाह पाक ने हमें तोहफे में दी हैं, ठीक है, जो हमें सलाहियतें अल्लाह पाक ने दी हैं, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अली, यस एंड वी शुड हेल्प सच पीपल। अली कह रहे हैं कि जी, और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चलें अब रीडिंग कर लेते हैं द डे ऑफ साइलेंस की। लेकिन रीडिंग करने से पहले हमारे पास प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। प्री रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, के टाइटल को देखें, जो स्टोरी का टाइटल है उसे देखें, और फिर पिक्चर को। व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, और आप क्या सोचते हैं कि ये स्टोरी किसके बारे में है। तो ये देखें, ये दो पेरेंट्स दिखाए गए हैं और एक बच्चा है और इसका एयर प्लग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, द स्टोरी इज अबाउट अ डेफ बॉय, राइट। देन हम इसकी रीडिंग करते हैं। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली, डियरली यानी कि बहुत ज्यादा उसके वालदेन जो थे उससे मोहब्बत करते थे। ही टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स, टुक पार्ट हिस्सा लेना, वो खेलों में हिस्सा लेता था। एवरीवन हर कोई, एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम फॉर हिज गुड मैनर्स। एवरीवन हर कोई, गांव का शख्स जो था, हर गांव का हर कोई इसे पसंद करता था, उसकी अच्छी गुड मैनर्स, अच्छी आदत की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से। रिजवान कुड नॉट हियर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बस यानी कि पैदाइश से, ठीक है, रिजवान पैदाइश के वक्त से ही सुन नहीं सकता था। व्हेन ही टर्न 3, जब वो 3 साल का हुआ, अ डॉक्टर एडवाइज His parents to help Rizwan learn sign language. तो डॉक्टर ने मशवरा दिया उसके वालदेन को कि वो रिजवान को अशारों की जबान सिखाने में मदद करें। रिजवान learned sign language in a few weeks. तो रिजवान ने साइन इशारों की जबान कुछ ही हफ्तों में सीख ली। Now he was very happy. अब वो बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालदेन के साथ रब्ता कर सकता था। कम्युनिकेट यानी कि इशारों के जरिए वो अपने वालदेन से बातचीत कर सकता था, वो अपने वालदेन को इशारों के जरिए अपनी बात जो है वो समझा सकता था। हिज पेरेंट्स टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड, तो उसके वालदेन जो थे उसकी एक्स्ट्रा यानी कि इजाफी केयर करते थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बच्चा था, ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा था। दे ऑलवेज हेल्ड ऑन टू हिज हैंड व्हेन एवर दे वेंट आउट, वो हमेशा उसका हाथ पकड़ के रखते जब कभी वो बाहर जाते। अदर विलेजर्स आल्सो ट्रीटेड हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड, बाकी गांव के लोग भी उसे उसके साथ एक स्पेशल बच्चे की तरह बर्ताव करते।
दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी कि ना खुश होना, ठीक है, फील महसूस करना, और ये चीज़ रिजवान को जो है वो अनहैप्पी कर देती, ना खुश कर देती। हिज क्लोज फ्रेंड मुमताज़ आल्सो सॉ दिस, उसका क्लोज फ्रेंड यानी कि जो उसका नज़दीकी दोस्त था मुमताज़, वो भी ये चीज़ नोटिस करता। ही डिसाइडेड, डिसाइडेड माने फैसला किया, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू सेट द थिंग्स राइट, उसने फैसला किया कि वो चीज़ों को सही कर देगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन द ऑनर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हेयर, उसने उसने अपने वालिद से इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि वो एक मेले का इंतज़ाम करें उन लोगों के लिए जो लोग नहीं सुन सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे एवरी वन इज द टाउन वुड हैव टू वेयर एयर प्लग, और उस दिन जो है वो हर कोई जो है पूरा दिन अपने कानों में एयर प्लग पहन के रखेगा, ठीक है। देन है पीपल लाइक द आइडिया, लोगों को ये आइडिया जो है ये ख्याल पसंद आया। द पीपल द डे बिकेम नोन एज द डे ऑफ साइलेंस, और ये दिन जो है वो जाना जाने लगा खामोशी के दिन से। When it arrived, everyone stuck plugs in their ears, और जब भी कोई पहुंचता और वो अपने कानों में एयर प्लग लगा लेता। That day was filled with fun and games, और ये पूरा दिन जो था वो एंटरटेनमेंट का दिन था, मजाक और हंसी का दिन था और एंजॉयमेंट के। People slowly became aware of how different life was when they could not hear anything. और लोग आहिस्ता से ये जानने लग गए कि किस तरह से जो ज़िंदगी किस तरह मुख्तलिफ होती थी जब वो नहीं सुन सकते थे। येट रिजवान कुड डू एवरीथिंग, फिर भी रिजवान जो है सब कुछ करता था। दैट लिटिल बॉयज डिड, जिस तरह के एक छोटा बच्चा करता है। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही कुड नॉट कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज, सिर्फ ये फ़र्क था कि वो सिर्फ जो बातचीत करता था वो इशारों की ज़बान से करता था। On the day of silence, Rizwan won many games. उस दिन खामोशी के दिन रिजवान ने बहुत सारे खेल जो हैं वो खेल जीते। That day people realized that he should be treated just like any other little boy. उस दिन लोगों को एहसास हुआ कि उससे भी उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए जैसे कि बाकी बच्चों को करते हैं, बाकी लड़कों को करते हैं। एवरी वन हैज सम स्पेशल टैलेंट एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस, हर किसी में जो है एक स्पेशल यानी कि खास टैलेंट होता है, सलाहियत होती है, और हर किसी को बराबरी का जो है वो मौका मिलना चाहिए। देन हमारे पास है वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल डू ऑन द डे ऑफ साइलेंस, के लोगों ने द डे ऑफ साइलेंस में क्या किया था। द पीपल स्टक प्लग्स इन देयर ईयर्स ऑन द डे ऑफ साइलेंस, तो लोगों ने जो है वो ईयर प्लग्स लगा लिए थे अपने कानों में। पोस्ट रीडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्ट रीडिंग में है कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, के क्या आप सोचते हैं कि इस स्टोरी का एंड जो है वो किसी और तरह से हो सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम, किस तरह से जो है जो डिफरेंट यानी कि जो मुख्तलिफ एबिलिटीज़ वाले जो हैं बच्चे हैं जैसे डीफ हो गए, ठीक है, ब्लाइंड हो गए, और तो उनको हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा वी शुड गिव देम एन इक्वल चांस टू यूटिलाइज देयर गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज इन अ बेटर वे, तो हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए, ठीक है, बराबरी का मौका देना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियतें दी हैं उनको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 6 द डे ऑफ साइलेंस की रीडिंग रीडिंग विद ट्रांसलेशन कर ली है। आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ। गुड बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट लेसन।